नमस्कार साथियों, कैसे हो आप? मेरे हिसाब से मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। बहुत शानदार वीडियो आपके पास लेकर आया हूं। आपकी बहुत ज्यादा मांग थी कि सर 6 फरवरी को फॉर्म भरेंगे या नहीं भरेंगे। जाबर सिंह कर्रा का इस बीच एक बहुत ही बड़ी न्यूज वायरल हुई, उसके बारे में बात करेंगे। अब देखो, सिस्टम 3 जगह का पड़ा था, लॉटरी सिस्टम, ट्रेड टेस्ट, किस आधार पर होगी भर्ती? इतनी जल्दी कैसे करवाएगी सरकार भर्ती? क्या 6 फरवरी को भर्ती प्रारंभ हो जाती है, या 6 फरवरी को नोटिस आ जाता है, या 6 फरवरी से फॉर्म की डेट मिल जाती है? उसके बाद कितने दिन लगेंगे भर्ती में? क्या लोकसभा चुनाव से पहले ही भर्ती होगी? लोकसभा चुनाव से पहले भर्ती होगी तो क्या लॉटरी सिस्टम लागू करेंगे? ऐसे बहुत सारे सवाल आपके थे, इन सभी सवालों के जवाब मैं आपके पास लेकर आया हूं। तो इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर कर रहे हैं। चालू करते हैं पूरे सेशन को। क्या क्या इस थंबनेल से आपको पता ही चल गया होगा, मगर जो चीजें छुपी हुई है उन चीजों को मैं को ले चलता हूं, उन चीजों पर आपको बहुत अच्छे ढंग से। तो चालू करते हैं आगे। देखो, सबसे पहले तो ये जाबर सिंह खर्रा का एक जो स्टेटमेंट था, स्वायत्त शासन मंत्री जाबर सिंह खर्रा बोले नगर पालिका व नगरी परिषद में 1 फरवरी से ऑनलाइन आवेदन। 1 फरवरी से ऑनलाइन आवेदन की बात करें तो 1 फरवरी तो निकल चुकी है। उन्होंने बात की थी वैसे पट्टों की, किसकी बात की थी? पट्टों की, जो पट्टे जारी होते हैं उनकी। अब उन्होंने क्या कहा था, 1 फरवरी से हर कार्य का ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे, यानी 1 फरवरी से जो भी नगर पालिकाओं में काम होंगे उनके आवेदन अब नगर पालिकाओं में ऑनलाइन सिस्टम ही रहेगा, ऑफलाइन सिस्टम बिल्कुल ही बंद हो जाएगा, चाहे किसी भी विभाग से हो। फिर कहा हर काम की समय सीमा तय होगी, यानी कोई भी भर्ती होगी उसको बिल्कुल तय समय पर अपन कंप्लीट करवाने का प्रयास करेंगे। यह बात स्वायत्त शासन मंत्री जाबर सिंह खर्रा ने की। इस दौरान उन्होंने कई अन्य सवालों के जवाब दिए। अन्य सवाल क्या थे वो अपन थोड़ा सा जान लेते हैं। पहला सवाल था सफाई कर्मचारी भर्ती क्यों अटकी हुई है और इसका कारण क्या? तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा इसमें कि भाई सफाई जो पूर्ववर्ती सरकार है उसने भर्ती निकाली थी, उसने सही तरीके से नहीं निकाली, इस कारण इसके आवेदन हम दोबारा से लेंगे। तो आवेदन 13,184 वाले पदों की भर्ती के होंगे? नहीं, जो नई भर्ती आएगी उसके आवेदन होंगे, यानी एक नई भर्ती का ही मोड होगा। और इसमें पदों की संख्या में क्या होगी? बढ़ोतरी होगी। पदों की संख्या में क्या किया जाएगा? बढ़ोतरी होगी। इनसे एक प्रमुख बात यह भी पूछी गई कि विदेशों में जो मशीनों से सफाई होती है मगर राजस्थान में आज भी झाड़ू डंडों का प्रयोग किया जाता है। तो इन्होंने यह भी बात कही थी कि सूरत और इंदौर के जो मेयर हैं वहां के कर्मचारी उनको बुलाया है, तो वो बुलाने का जो जुलाई के करीब आएंगे इधर है, तो वहां इनसे वार्तालाप करके हम नई तकनीक से सफाई भर्ती को चालू करने की कोशिश करेंगे। ये मैं पुरानी अपडेट दे रहा हूं, अभी मैं इसको अब क्या होने वाला है वो चीज आपके सामने लेकर आ रहा हूं। एक बात हो रहा है कि 6 फरवरी से सफाई कर्मचारी भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ होगी। ये जो अखिल भारतीय मजदूर कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उन कौन थे भाई साहब? कैलाश जी। कौन थे? सुरेश निदे। कौन थे? कैलाश जी थे क्या? कैलाश जी, किशन लोहरा जी। और अब जो स्वायत्त शासन विभाग में संयुक्त शासन सचिव सुरेश कुमार ओला, अतिरिक्त निदेशक, इनसे मीटिंग करते हैं, इनसे वार्तालाप होती है। इन्होंने कहा 6 फरवरी को अपन शेड्यूल जारी कर देंगे। अब इस भर्ती का होना क्या है मैं उस जगह वापस ले चलता हूं। पहली प्रक्रिया लॉटरी सिस्टम होगा, ट्रेड टेस्ट होगा। तो भाई साहब 100% आपको 100% श्योर कर देता हूं मैं, 100% ये भर्ती ट्रेड से होगी, ट्रेड टेस्ट से होगी, 100% ट्रेड टेस्ट से होगी। तो ट्रेड टेस्ट की बहुत ही बेहतरीन तैयारी करें, और इसके साथ साथ इसमें इंटरव्यू भी लागू किया जा सकता है, साक्षात्कार, इसका भी आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। ट्रेड टेस्ट में आप उपकरण पर विशेष ध्यान दीजिए, अपने कार्यों पर विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको एग्जाम में या ट्रेड टेस्ट में पूछी जा सकती है। जाबर सिंह कर्रा ने साफ शब्दों में कह दिया कि पद क्या होंगे? बढ़ेंगे, पद बढ़ेंगे। 6 फरवरी को शेड्यूल जारी होगा, यानी नोटिस जारी होगा, और उस नोटिस के माध्यम से सारी चीजें आपको बताई जाएगी। उस नोटिस के माध्यम से आपको सारी की सारी चीजें बताई जाएगी। तो आप अगर इस नगर पालिका की भर्ती की आप तैयारी करना चाहते हो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, हर फॉर्मेट में हमने आपके लिए हर चीज लेकर आए हैं, बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन आपके लिए बने हुए हैं। तो उन बहुत बेहतरीन ऑप्शनों के लिए आपके पास देखो क्या क्या ऑप्शन है। आप ऑनलाइन कोर्स लेना चाहते हो तो मात्र 399 रुपए में, इसमें सब आगे, इसको फिर इसको भी खरीदने की आवश्यकता नहीं है, इसको भी खरीदने की आवश्यकता नहीं है, ये सारी चीजें इसी कोर्स में इंक्लूड है, यानी सब चीजें आ गई इसमें, ऑडियो वीडियो ट्रेड टेस्ट इंटरव्यू सब के बारे में आ गया। अगर कोई बच्चा कहता है सर हम तो केवल ये टेस्ट पीडीएफ लेना चाहते हो, पीडीएफ ले सकता है। जो कोई टेस्ट सीरीज लेना चाहता है वो टेस्ट सीरीज ले सकता है।
10 टेस्ट रो की टेस्ट सीरीज है, बहुत ही शानदार। हर टेस्ट में है ना 25% आपको दिए हुए हैं। ये पीडीएफ आपको है ना सोमवार से मिलना प्रारंभ होगी। अभी वहां पर हमने केवल उसका पोर्टल खोला है, जो खरीदना चाहता है वो खरीद सकता है, जो सोमवार के बाद में लेना चाहे वो सोमवार के बाद ले सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि हम एक बार इंतजार कर रहे हैं 6 तारीख का कि 6 तारीख को शेड्यूल में क्या आता है क्या नहीं आता है, तो इस टेस्ट सीरीज को मैंने इसलिए रोक रखा है। ठीक है, पीडीएफ नई पीडीएफ आ गई है भाई साहब, तो नई पीडीएफ जिन्होंने खरीद रखी है उनको फ्री मिलेगी, जिन्होंने खरीद रखी है उनको क्या मिलेगी भाई साहब फ्री मिलेगी, और जिन्होंने नहीं खरीद रखी है वो खरीद लेना, बिल्कुल शानदार अपडेट पीडीएफ एक और आपके लिए लेकर आए हैं। कोर्स भी नए वर्जन का आ गया है, जो पुराने वाले बच्चे हैं जिन्होंने खरीद रखा है उनको कोई टेंशन नहीं, उनको फ्री उपलब्ध रहेगा, और जिन्होंने नहीं खरीद रखा उनको लिए तो 399 है ही है। अगर आप चाहते हो कि हम ऑफलाइन भी तैयारी करें तो ऑफलाइन बैच 10 फरवरी से प्रारंभ हो रहा है, 3 दिवसीय ट्रेनिंग होगी उसके 2500 रुपए है, और 7 दिवसीय ट्रेनिंग होगी उसके 5000 रुपए है। मगर मैं बता दूं, आपने अगर 2500 के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है तो फीस यही होगी, आपने इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है तो आप इसका रजिस्ट्रेशन 500 रुपए से करवा सकते हैं, अपनी सीट बुक करवा सकते हैं। मात्र 20 सीटें और बची है, पहला बैच है ना 50 सीटों का रखा गया है जिसमें 20 सीटें बची है, फिर अगला बैच कब चालू होगा उसका इस बैच के खत्म होने के बाद अनाउंस करेंगे। तो यानी अगला बैच 15 फरवरी से चालू होने की संभावना है, क्योंकि 5 दिन के गैप से हम नया बैच बनाते हैं, ये भी आपको बता दें। तो आप जो भी इसके लिए है, जो हमारे नंबर दिए हुए हैं, इन नंबरों पे आप है ना फोन पे करके उसका स्क्रीनशॉट भेज के किस तारीख को आ रहे हैं वो तारीख लिख के आप हमें मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको अलवर बानसूर हमारी ब्रांच रहेगी आपको बता दूं मैं। ठीक है, तो ये सारी जानकारी आपको जो चाहिए थी वो आपको मिल रही है। और भी कोई अन्य जानकारी हो आपको साफ शब्दों में कह दूं, 6 फरवरी को, किसको, 6 फरवरी को नोटिस जारी हो जाएगा, और नोटिस जारी होते ही भाई साहब सारे कार्य प्रारंभ हो जाएंगे। तो जो डीएलबी है और डीएलबी में जो कहा गया है, क्योंकि उस दिन जो वार्ता हुई थी नंदकिशोर जी डांडोरिया और डीएलबी के सदस्यों के लिए 23 जनवरी को, 24 जनवरी से आंदोलन होता था, 23 जनवरी को उनको शाम को मीटिंग होती है, उन्हें आश्वासन दिया जाता है कि 6 फरवरी से पहले पहले या 6 फरवरी तक हम विभाग से नोटिस जारी करवा देंगे कि भर्ती का क्या लेना देना होगा, क्या होगा और क्या नहीं होगा। तो अभी ये तो कह नहीं सकते कि आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि अभी तो 6 फरवरी का इंतजार करना है, 6 फरवरी को सारी चीजें आपके सामने होगी मेरे प्यारे साथियों। इसी के साथ मैं दोस्तों आपको बता दूं और भी चीजें अगर आपके दिमाग में चल रही है, तो देखो ये बीच बीच में कुछ मैसेज आ रहे हैं, तो कोई बात है कोई और चीज है तो आराम से आप हमसे पूछ सकते हैं। किसी भी प्रकार का मन में बहम ना रखें, जो हमारे नंबर दिए हुए हैं आप लगभग सब बच्चों के पास नंबर है, तो नंबरों पर आराम से मैसेज करके कोई भी चीज पूछ सकते हैं, मैसेज कर, मगर पेशेंस रखिए, क्योंकि नगर पालिका भर्ती में जो अपडेट हम दे रहे हैं, जो जानकारी हम दे रहे हैं, आपने तुलना भी की होगी लोगों से, कितना बेहतरीन हम आपके साथ हैं, हर तरीके से आपके साथ हैं किसी भी चीज में। और मैंने बता रखा है विकलांग, विधवा, तलाक शुदा से कोई बच्चे हैं, पीडीएफ कोर्स लेना चाहते हैं, उनको सीधा सीधा 50% इस कोर्स में क्या है हमने छूट भी दे रखी है, मगर वो अपना डॉक्यूमेंट्स व्हाट्सएप कर दे, जो नंबर दे रखे हैं वहां से कोर्स परचेज कर ले, क्योंकि मैं बता दूं कोर्स को हमने अपडेट किया है, अपडेट, और अपडेट के बाद क्या हो गया भाई साहब, इस कोर्स की कीमत है ना, कीमत बढ़ सकती है, अब क्या हो सकती है, बढ़ सकती है। तो ये ऑफर है ना आपके 10 फरवरी तक रहेगा, जो मैंने आपको बताया ये ऊपर 10 फरवरी तक रहेगा, तो 10 फरवरी से पहले पहले आप इस कोर्स को खरीद लें। जिन्होंने नहीं खरीदा है वो एक बार प्रयास करें कि आपको अगर सफलता ही चाहते हैं, आप अगर सफलता ही चाहते हैं तो डेफिनेटली इस कोर्स को खरीद लें। ठीक है, क्योंकि इसमें जो हमने जो चीजें दी है ना वैसा ऑनलाइन वाले ने, आप कहोगे गुरु जी मजा आ गया, और इसमें बहुत सारी नई अपडेट चीजें और मिलने वाली है आपको, बहुत सारी चीजें हैं ऐसी है जो आपके काम की है, तो इन चीजों को भी हमने यहां पर लागू कर दिया है। इसके अलावा जैसे बहुत सारे बच्चे आएंगे उनके मॉक टेस्ट भी आपको हम यहां फ्री उपलब्ध करवाएंगे, अब की बार लाइव इंटरव्यू करवाएंगे ऐप में, लाइव इंटरव्यू ऐप में कैसे होगा कि हम ऐप में ही आपसे सीधा इंटरव्यू करवाएंगे, ऐप में अपलोड हो जाएगा, आप आराम से उस ऐप में देख सकते हैं, आप उस ऐप में आराम से इन चीजों को देख सकते हैं, तो ये भी फायदा आपको मिलने वाला है। क्योंकि आप जितने भी कम से कम मैं सोच रहा हूं 10 से 15 बच्चों के जो लाइव हैं आपसे डायरेक्ट वहां देखे कि हम इंटरव्यू कैसे ले रहे हैं, आप देखोगे कि हमने कितने बेहतरीन तरीके से इंटरव्यू लिया है, तो ये चीजें भी आपके लिए फायदेमंद रह सकती है।
तो आज ही जाइए गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, कोर्स को डाउनलोड कीजिए और कोर्स खरीद लीजिए। इसी के साथ अलविदा चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।